टाइम खाना खाने के बाद भी बीच बीच में स्नैक्स खाते हैं, तो बस यही सीन है हमारे प्लांट के साथ। इनको हमने सॉलिड फर्टिलाइजर देना है और स्नैक्स के तौर पे इनको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है। तो वो कैसे देना है मैं आपको आगे डिटेल वीडियो में बताऊंगी। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो अब गुलदावरी का जो है जाने का टाइम हो गया है। हमारे गार्डन में इनको खिले हुए लगभग 55 से ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक चलते हैं अगर यहाँ पे बारिश नहीं हुई होती। तो परसों हमारे एरिया में बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है प्लांट देखिए एक दिन में ही इनकी हालत में कैसे फर्क पड़ गया है, प्लांट खराब से हो गए हैं बिल्कुल। तो चलिए, निराश होने वाली कोई बात नहीं, अगले साल हम बहुत सारे प्लांट लगा लेंगे, फिर से जो है नए नए फ्लावर आएंगे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो अब हम बात करते हैं इनको अगले साल तक कैसे बचा के रखें। हम ऐसे इनको रख देंगे तो ये तो बचेंगे नहीं, इनके लिए हमने कुछ ना कुछ तो टिप्स फॉलो करना पड़ेगा, कुछ केयर करनी पड़ेगी। तो बस मैं आपको बताऊंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम ये प्लांट लेके आए हैं, अगर ये पूरी तरीके से स्पेंट हो गए इनके फ्लावर, तो आप ये मत सोच के फेंक दीजिएगा कि भाई इसका तो काम हो गया, ये खराब हो गए हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये फ्लावर जो है ये परमानेंट है, ये कई सालों तक आपके गार्डन में जो है रह सकता है, तो ऐसी गलती ना करें। तो इस वाले गमले को मैं ग्रीन नेट के नीचे लेके आ गई थी, ऊपर से शेड भी डाल दिया था ताकि जो बारिश की बूंदे हैं वो ना पड़े, बट इनमें ऑलरेडी पड़ चुकी थी। तो थोड़ा बहुत ये प्लांट मतलब सही सलामत है। और ये देखिए, और ये जो मेरा प्लांट है ये बिल्कुल ही खराब हो गया है। अब हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसे छोड़ देंगे तो हमारे प्लांट के लिए जो है ये प्रॉब्लम मतलब हो जाएगी, बहुत सारी जो समस्याएं प्लांट में आ जाएंगी। तो इसके लिए हमें इनसे समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने प्लांट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इन पर कुछ वर्क करते हैं ताकि प्लांट हमारा अगले साल तक हैप्पी हमारे गार्डन में रह सके। आप इस प्लांट के जो पत्तियां देख रहे हैं रेड रेड से हो गए हैं, ये ज्यादा ठंड की वजह से जो है इनकी पत्तियों का कलर जो है चेंज हो गया है। तो इसमें अभी भी कुछ फूल हैं जो मतलब बिल्कुल फ्रेश है, बट इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने इन प्लांट को जो है अगले साल के लिए अब बचा के रखना है। अब हमने बहुत अच्छे से इनसे जो है फूल ले लिए हैं, बट इनका टाइम ओवर हो चुका है। तो अगर हम इनको ऐसे ही अपने गार्डन में रहने दिए फूलों के साथ, तो ऐसा होगा कि ये जैसे फूल तो अभी मुरझा गए हैं और कुछ टाइम के बाद ये सड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे ही सड़ेंगे तो वैसे ही कीट पतंगों का जो है घर बन जाएगा, और इससे जो है प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा, पूरा जड़ तक नीचे से तक जो है प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसलिए इन फूलों को जो है काट के यहाँ से इस गमले से काट के हटाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे चलिए मैं इनको प्रून कर देती हूँ, और प्रून करने का तरीका ये है कि आप नीचे से 1 से 2 इंच आप इनकी जो है स्टेम रखें, और बाकी जितने भी इनके जो स्टेम्स हैं शाखाएं हैं इनको हम कट कट के हटा देंगे, और जो भी हमने स्टिक लगाए थे सपोर्ट के लिए, जो भी धागे वगैरह बांधे थे, उन सबको हमने रिमूव कर देना है। प्लांट को अच्छे तरीके से जो है क्लीन कर लेनी है। तो देखिए फाइनली जो है मैंने जो है काट लिया है प्लांट को, और नीचे से देखिए बहुत सारे जो है बेबी प्लांट निकल रहे हैं, बेबी जो इनके गुलदावरी के जो सकर्स होते हैं वो निकल रहे हैं, और यही हैं जो अगले साल के लिए हमें बहुत सारे जो है पौधे तैयार करने में जो है मदद करेंगे, क्योंकि इन्हीं से है ना बहुत सारे जो है प्लांट जो है बना सकते हैं, और हम उनसे बहुत सारे फूल ले सकते हैं। प्लांट की मैंने अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली है, जितनी भी सूखी पत्तियां थी सबको मैंने रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम इनको चाहे तो उखाड़ के न्यू जो है प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए इनमें जड़ें आ गई हैं, तो ऐसे निकाल के हम डायरेक्टली किसी और छोटे से डब्बे में लगा सकते हैं, और अगले साल के लिए हम ऐसे भी इनको बचा सकते हैं। अगर अपने बहुत सारे जो प्लांट बनाने हैं तो ऐसे कर सकते हैं। तो जो सेकेंड काम करना है, हमने जो ब्रांचेस थे इनको कट कर दिए, और जो सेकेंड काम करना है वो हमने इनकी प्लांट की गमले की जो है गुड़ाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है इनके सकर्स आ गए हैं, तो गुड़ाई करने की स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने खुरपी का जो है इस्तेमाल नहीं किया। ये छोटे से टूल के सहारे ही मैं इनको हल्की हल्की से गुड़ाई कर रही हूँ, ध्यान दे के जहाँ पे निकले हैं प्लांट्स वहाँ पे नहीं कर रही हूँ, जितना भी एरिया फ्री है वहाँ पे हम गुड़ाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं गुड़ाई कर रही हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि गमले को हम फ्री कर लें, इनसे खाली कर लें, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा रूट बॉल बाहर निकालेंगे और किसी भी पॉली बैग में या फिर कोई भी आपके पास जो पुराना सा गमला है तो उनमें हम लगा के जो है इस प्लांट को जो है सेव कर सकते हैं। तो अब आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। तो तीसरे नंबर पॉइंट में आता है गुड़ाई के बाद हमने इनको खाद देना है। तो हम चाहे तो काउडंग मैन्योर दे सकते हैं या फिर जो वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेरा गमला है वो 10 इंच का है, तो 10 इंच के गमले के लिए 1 से 1.5 मुट्ठी जो है खाद इनफ रहेगा। तो बस खाद को लेना है और चारों तरफ इनको मिला डाल के और अच्छे तरीके से जो है मिट्टी में इनको मिक्स कर देना है। और जो एक और खाद देंगे वो खाद हमने सिर्फ 1 टाइम देना है, वो जो देना है वो है आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है मस्टर्ड के बस टुकड़े छोटे छोटे कर लेने हैं और चारों तरफ गमले के इनमें नीचे मिट्टी में दबा देना है। ये पानी डालेंगे तो ये अपने आप जो है टाइम टू टाइम डीकम्पोज हो जाएगा और ये जो इसकी पोषक तत्व तो है वो प्लांट को मिल जाएगा। तो ये जो हमने मस्टर्ड केक देना है सिर्फ 1 टाइम देना है, बार बार नहीं देना है। और जो चौथा नंबर पॉइंट हमने करना है वो इनमें जो है फंजीसाइड से जो है स्प्रे करना है। तो अगर आपके पास जो है वुड है राख है तो राख लेके हमने ऐसे प्लांट में स्प्रिंकल कर देना है, इनकी मिट्टी में भी इनमें जो है दे देने हैं या फिर ऊपर प्लांट्स को भी इनमें दे देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ पूरे ऊपर पत्तियों तक कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी कीड़े मकोड़े जो है प्लांट में जो है आए ना। तो ये काम हो गया। उसके बाद हमें जो भी निकाले थे ये देखिए जो रूट के साथ में हमने निकाले थे इनको हम जो छोटे से कंटेनर में लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटे से डब्बे हैं, इनमें लगा लूँगी और बाकी जो हमने इनके स्टेम फेंके थे काट के निकाले थे उनको भी हम लगा सकते हैं। इनकी रूट 20 से 15 दिन में आराम से आ जाती हैं तो उनको भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ जो कटिंग है उनके लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मैं इनको लगाऊंगी और लगाने के बाद इनमें जो है पानी दे देना है। तो अब इस टाइम पे आप देखेंगे कि अगर आसपास आप नज़र मारेंगे तो आपको बहुत सारे जो है कटिंग इनकी जो इस टाइम पे जो काट के फेंकते हैं तो आप उनसे भी इनकी कटिंग इकट्ठा करके अपने गार्डन में जो है नए कलर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम मेन जो प्लांट है इनको हम धूप में ही रखेंगे, अभी धूप से हम इनको हटाएंगे नहीं और जो कटिंग है वो सेमी शेड में रख देंगे। तो उसके बाद हमने जो आप पांचवें नंबर जो पॉइंट की बात आती है इनको खाद कब कब देना है। तो हर एक 2 महीने के बाद इनको हम खाद दोबारा से देंगे और ये जब तक देंगे जब तक जो है ज़्यादा जो है गर्मियाँ नहीं आ जाती है। अगर ज़्यादा गर्मियाँ आ जाए तो उस टाइम पे खाद मत दीजिएगा, जैसे मई जून का जो महीना होता है उनमें खाद बिल्कुल नहीं देना है, उनमें बस सिंपल सा हमने पानी देना है। उसके बाद जैसे ही जुलाई का मौसम आएगा बरसातों की जो पहली रेन आएगी तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो प्लांट की जो है इनके जो जितने भी बेबी प्लांट जो निकल रहे हैं उनमें उनसे लेके कटिंग हमने लगाना शुरू कर देनी है। और जो आखिरी पॉइंट और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है इनको जो किसी भी इंसेक्टिसाइड लीजिए और हर एक 15 दिन के बाद इनको जो है स्प्रे करना ना भूले प्लांट को, क्योंकि कीड़े मकोड़े का आतंक होता है। जैसे ही हमारा फरवरी का मौसम आएगा उनमें जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं कीट पतंगे होते हैं बहुत ज़्यादा जो है प्लांट में जो है अटैक हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बाहर का मौसम होता है और हमारे प्लांट जितने भी होते हैं न्यू ग्रोथ करते हैं और उनकी न्यू ग्रोथ देख के जो है प्लांट भी जो है प्लांट नहीं इंसेक्ट भी है जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो उस टाइम पे जो है इनकी खास केयर करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी भी जो है सखाए जो हमने काट के निकाली है अगर उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे हैं तो हम कंपोस्ट भी में डालेंगे इनको, अच्छा सा खाद बनेगा। अगर इनमें किसी प्रकार की भी जो कीट पतंगे जो हैं इनमें लगे हुए हैं तो उनको हम रखेंगे नहीं, अपने गार्डन से ना दूर फेंक देंगे। तो बस यही केयर टिप्स है। ओवरऑल पॉइंट की बात करें तो हमने पहला काम करना है प्रूनिंग, 1 इंच छोड़ के हमने प्रूनिंग करना है, फिर गुड़ाई करना है, गुड़ाई करने के बाद हमने ऑर्गेनिक खाद देना है, कोई भी डीएपी बिल्कुल फीड नहीं करना है। अभी 15 दिन के अंतराल पे इनकी मिट्टी में गमले की मिट्टी में आप हल्दी ले ले या फिर राख ले ले या फिर फंजीसाइड ले ले, तीनों में से कोई एक चीज ले और गमले की मिट्टी में मिलाते रहे और जो 15 डेज के गैप पे जो है इनके जो पत्तियों पे आपने इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड से स्प्रे करना है। फर्स्ट वीक मार्च तक आपने इनको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, 20 दिन के गैप पे दे दे या फिर 15 डेज के गैप पे दे दे। मार्च में आप देख लेते हैं क्लाइमेट कैसा होता है, अगर ज़्यादा ठंड है तो भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो अभी गमले को है पूरा सनलाइट देना है, इनको शेड में नहीं रखना है जब तक कि तीखी धूप नहीं आ जाती, ज़्यादा गर्मी नहीं आ जाती। और जैसे ही मई जून का महीना है तो हमने गमले को बालकनी में शिफ्ट कर लेना है, सेमी शेड में शिफ्ट कर लेना है।
और आखिरी पॉइंट, मई जून जुलाई तक इनमें जो है कोई भी फर्टिलाइजर नहीं फीड करना है, सिर्फ इनको पानी देना है।